يلا بابا يلا جلدي شوي يلا ये तस्वीरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद की हैं। लेकिन तस्वीरों में दिख रहे ये लोग पाकिस्तानी हैं, जिनकी संख्या 90 से ज्यादा है और ये लोग कई दिनों से इसी छोटे से कमरे में कैद थे, जिन्हें अब रियाद पुलिस ने छुड़ाया है। में से 80% लोग COVID-19 के संक्रमण के शिकार हैं। यल्ला बाबा यल्ला जल्दी शो यल्ला इस कोरोना संकट के बीच पाकिस्तानी लोगों की इस तरह की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों से भी पाकिस्तानी लोगों की ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं, जिनको पाकिस्तानी सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान के नागरिकों का कितना बुरा हाल है ये इस वीडियो में दिख रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तानी नागरिक बदतर हालत में हैं। इस वीडियो में रियाद में 90 से ज्यादा पाकिस्तानी एक कमरे के अंदर बंद पाए गए, जिसे रियाद प्रशासन ने छुड़ाया और इसमें से ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये हाल दुनिया के अलग अलग इलाकों का है। इससे पहले जब वुहान में पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए थे, उन्हें भी पाकिस्तान ने निकालने से इनकार कर दिया था और अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर समेत दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी नागरिक कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद बदतर हालत में जीवन गुजार रहे हैं। इस महामारी के बीच पाकिस्तान ने अपने लोगों को कई देशों में ऐसे ही छोड़ रखा है। पाकिस्तान ने ना उनका हाल पूछा, ना ही उन्हें वापस लाने की कोई कोशिश की। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अपने लोगों को चीन के वुहान से निकालने के लिए मना कर दिया था। पाकिस्तानी लोग दुनिया के कोने कोने से अब भी पाकिस्तान सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही। भारत सरकार ने कई देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करवाया। भारत सरकार के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रशंसा भी हुई थी। يلا بابا يلا جلدي شوي يلا 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 سيني بس مصقع سيني يلا يا جماعة يلا 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 ي